हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास नाइन्थ नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 2C का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 8 तक इस वीडियो में करेंगे। देखो, क्वेश्चन पहला है आपका, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में PX को GX से भाग दीजिए और भागफल यानी QX तथा शेषफल RX। देखो, भागफल को QX बोलते हैं और शेषफल को RX बोलते हैं, ज्ञात कीजिए। देखो, भागफल का मतलब, देखो पहले तो ये समझ लो कि QX और RX क्या होता है, अगर इसी को फाइनल कर लो आप। जैसे आपके पास एक नंबर है, यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है आपका 15, है ना। तो जब आपने इसको भाग दिया तो 3 5 15 हो गया, ये कट गया, है ना। अब ये जो आपका, जो यहाँ आपका ये जो नंबर आया है, इसको हम लोग Q बोलते हैं ना। Q यानी क्या होता है? भागफल। तो देखो, ये हो गया आपका 5 जो है, ये भागफल हो गया। भागफल को इन्होंने क्या बोला है? QX, है ना। अब नीचे देखो जो बचा, इसको बोलते हैं शेषफल यानी रिमाइंडर। तो हम R से रिमाइंडर यानी R से बोलते हैं ना, और इसको हम बोलते हैं शेषफल भी बोलते हैं। तो ये नीचे वाला आपका शेषफल हो गया, ये आपका Q यानी भागफल हो गया। अब ये दोनों आपके पास भाज्य और भाजक हो गए। अब इन क्या ज्ञात करना है आपको? भागफल QX तथा शेषफल RX ज्ञात करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, PX बराबर X की पावर 4+1, है ना। और इसमें GX कितना दिया हुआ है? GX यानी हमें जिससे इसको भाग देना है। GX इसमें क्या है? ये देखो, ये है आपका GX, ठीक, और ये वाला नंबर है आपका PX, ठीक। अब तो ये आपका क्लियर हो गया, अब हमें इससे भाग देना है। तो देखो, भाग देने के लिए मैं एक इतना अच्छा आपको तरीका बताऊंगी कि ये भी भाग देने वाला, कभी आपको कोई इसमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, है ना। देखो, बस ध्यान से देखना पूरे वीडियो को। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत एक एक स्टेप कराऊंगी, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा बच्चों, लेकिन आपको कभी इसमें डाउट जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी हमेशा। देखो, पहला तो GX को आप इधर रख लो, यानी x-1। PX को हमें अंदर रखना है ना, यानी x की पावर 4+1। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ जो बीच का नंबर है, हमें इसी को बराबर बनाना होता है, जिससे ये कट जाए, है ना। तो बराबर बनाने के लिए हमें क्या करना है? देखो, आपके पास कितने हैं? x 4 है ना, x की पावर 4 है। तो यहाँ देखो, ऊपर हम लिख देंगे x into x into x into x, 4x लिख दिया हमने, देखो, है ना। क्यों 4x लिखा? क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर हमारे पास ये, यहाँ पर x कितने थे? 4x थे ना। और यहाँ कितना है हमारे पास? 1x है। तो हमने इसको नीचे बटे में लिख दिया 1x। अब इस x से ये x कट गया, तो बचे कितने x आपके पास? 1, 2 और 3, यानी आपके पास बचा एक्स क्यूब। अब ये जो एक्स क्यूब आया, इस एक्स क्यूब से ये जो नंबर है इसको गुणा कर दो। देखो ऐसे, यानी x-1 से इसको गुणा कर दो, भाग नहीं, गुणा करना है। जैसे हम लोग गुणा करते हैं ना, ब्रैकेट ऐसे समझ लगाना। क्या क्या किया फिर से समझ लो। देखो, ये जो अंदर था हमारे पास नंबर, इसी के बराबर तो लाना है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, कितने थे एक्स? ये 4x थे, हमने यहाँ लिख दिया 1, 2, 3, 4x लिखा। यहाँ पर कितना था? 1x था, तो हमने नीचे लिख दिया 1x। 1x से 1x कट गया, तो कितना बचा हमारे पास? 3x बचा। 3x को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब। फिर हमने इस एक्स क्यूब से इसको हम गुणा करेंगे, यानी x-1 को गुणा करेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया x-1। देखो, यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं इसको, यहाँ हमने लिखा एक्स क्यूब और ये हो गया हमारे पास x-1। अब इसको गुणा करो। देखो, यहाँ 3x है और 1x मिलाकर कितना हो गया? ये हो गया x की पावर 4, फिर ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस x³ बन जा, तो x³ हो गया। इस नंबर को उठा के आप यहाँ लिख दो, यहाँ हमने लिख दिया तो हो गया, देखो x की पावर 4 और क्या था? माइनस x की पावर 3, है ना, ये लिख दिया हमने। अब नीचे जो भी है उनके साइन चेंज कर दो। देखो, यहाँ आपके पास प्लस था तो हमने इसको माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था तो हमने इसको प्लस कर दिया। अब देखो, ये तो प्लस का और ये माइनस का, ये वाला साइन अब ख़त्म हो गया, हमें नीचे वाला साइन लेना है। तो देखो, ये प्लस और ये माइनस तो कैंसिल हो गया, लेकिन अब यहाँ तो ये ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्स क्यूब है ना। इस एक्स क्यूब को आप ऐसे यहाँ उठा दो, लेकिन इस एक्स क्यूब का ये वाला साइन नहीं लिया जाएगा, जो नीचे चेंज करे हैं वो लिया जाएगा। तो यहाँ आपने लिख दिया एक्स क्यूब, और ये जो ऊपर वाला बचा है इसको उतार लो,
फिर वही प्रोसेस हम करेंगे जो हमने पहले किया। क्या बनाना है हमें, 3x ले लो, तो हमने यहाँ ले लिया देखो, एक एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और नीचे हमें कितना लेना है, एक एक्स। इस एक्स से ये एक्स कट गया तो बचा कितना, दो एक्स स्क्वायर, यहाँ हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से जैसे हमने यहाँ भाग दिया था ना, गुणा करा था, ऐसे इसको भी गुणा कर दो। ये वाला नंबर है एक्स माइनस वन से, देखो एक्स माइनस वन से हमने गुणा करा एक्स स्क्वायर को, एक्स से करें तो कितना हो गया एक्स क्यूब, यहाँ करें एक्स स्क्वायर वन जा तो हो गया एक्स स्क्वायर। ये जो नंबर आया है इसको उठाकर फिर यहाँ लिख दो, देखो कैसे, यहाँ पर इसके नीचे ये तो बन गया एक्स क्यूब और माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ देखो अब इसके साथ का नहीं है ना, एक्स स्क्वायर नहीं है तो ऊपर वन है, इस एक्स स्क्वायर को आप यहाँ उतार दो, लेकिन प्लस के साइन से उतारना है ना। अब यहाँ हो गया आपका प्लस वन। अब देखो अब ये किससे जाएगा, यहाँ जो जिससे भाग दे रहे हो यहाँ लिखते जाओ। सबसे पहले हमने किससे करा, एक्स क्यूब से करा, उसके बाद दूसरा हमने करा एक्स स्क्वायर से, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से करा था ना इसको, तभी तो एक्स क्यूब बना था। अब यहाँ देखो हम किससे करेंगे, दो एक्स है आपके पास, फिर वही फॉलो करो। देखो यहाँ हमने लिख दिया, देखो दो एक्स है, एक्स गुणे एक्स, यहाँ दो एक्स लिखा, ऊपर वाला देखो यहाँ एक एक्स है, नीचे लिख दिया इस एक्स से ये एक्स कट गया तो बचा कितना, एक एक्स ना। अब इस एक एक्स से हम इस वाले नंबर को गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो गया एक्स और एक्स मिलाकर हो गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वनजा हो गया, मतलब एक्स वनजा एक्स, ये नंबर आ गया ना। यहाँ फिर लिख दो आप, यानी एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस का एक्स, यही वाला लिख दिया। अब साइन फिर चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, फिर ये एक्स और यहाँ वन अलग हो गया, फिर यहाँ इसको एक्स उतार लो, यानी ये एक्स हो गया और ये वाला प्लस वन। अब देखो ये नंबर और ये नंबर सेम है ना, यानी वनजा एक्स और एक ही है, तो प्लस वन ले लो। यहाँ देखो एक्स से करा तो यहाँ एक्स लिख दो आप सबसे पहले, तो प्लस का एक्स से हमने यहाँ भाग दिया था ना। अब इसके बाद हम किससे भाग देंगे, वन से देंगे, जो भी जिससे भाग दो यहाँ लिखते चले जाओ ना, तो जी एक्स मिल जाए आपको, क्यू एक्स मिल जाएगा अपना, इससे हमने भाग दिया तो ये हो गया हमारे पास। देखो अगर हम वन से भाग देते हैं तो वन से भाग दोगे तो ये नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो ऐसे नंबर है आपके पास एक्स माइनस वन, हम इसको वन से गुणा करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, भाई यहाँ सेम यही नंबर हो जाएगा ना ऐसे, लेकिन हमें तो नीचे साइन चेंज करना होता है। देखो ऐसे जैसे हमने यहाँ लिख दिया एक्स प्लस वन, क्योंकि हमने उसी से गुणा करा इसको, प्लस वन नहीं यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये नंबर माइनस है ना, जब हमने गुणा करा तो यहाँ माइनस आ गया। अब साइन चेंज करो, देखो यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, तो देखो ये तो प्लस माइनस कट गया, यहाँ ये प्लस का और ये प्लस का हो गया ना, यानी वन और वन मिलाकर हो गया टू, तो ये आपको मिल गया। अब टू तो देखो यहाँ एक्स से छोटा, यानी यही आपका आपका शेषफल जो हो गया यही हो गया, तो यहाँ लिख दो भागफल, ये वाला भागफल ये है भागफल, भागफल को क्या बोलते हैं क्यू एक्स है ना, भागफल क्यू एक्स कितना मिल गया आपको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और शेषफल क्या मिल गया, शेषफल, शेषफल को बोलते हैं आर एक्स, आर और ये एक्स, आर एक्स बराबर मिल गया आपको दो है ना, यही आपका आंसर हो गया। देखो पहले क्वेश्चन में अगर डाउट लगा हो, थोड़ा सा क्लियर नहीं आया हो, तो सेकंड क्वेश्चन देखो उसमें एकदम समझ में आ जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, वो दिया हुआ है आपके पास कि पी एक्स बराबर देखो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये दिया हुआ है, और जी एक्स कितना दिया हुआ है, जी एक्स है आपके पास एक्स प्लस टू है ना। फिर वही देखो जो हमने यहाँ करा हम यहाँ भी करेंगे, तो देखना इस बार जो जो हमने फॉलो करा उसको फिर से देखना, तो इस बार समझ में आ जाएगा, जो डाउट होगा वो आपका ख़त्म हो जाएगा है ना। लिख दो हल। अब ये जो जी एक्स है इसको बाहर लिख दो, यानी एक्स प्लस टू, ये वाला नंबर अंदर लिख दो, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस
2x प्लस 1 ये लिख दिया। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास कितना है, 3x है ना, तो देखो ये हमने लिख दिया 3x है, यानी x इंटू x इंटू x। देखो सबसे पहले जो यहाँ वाला नंबर है इसको हमने लिख दिया, x की पावर 3 थी मतलब 3x था, यहाँ कितना है हमारा 1x है ना। इस x से ये x कट गया तो बचा कितना, x स्क्वायर बचा। अब इस x स्क्वायर से हम इस नंबर को गुणा करेंगे, जो जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा सब हम इसमें करेंगे। देखो x स्क्वायर से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर था, इसके पास एक x और मिलाकर हो गया तो x क्यूब हो गया। x स्क्वायर को 2 से करा तो हो गया 2x स्क्वायर है ना। यही जो नंबर आया इसको उठाकर आप यहाँ नीचे लिख दो, कितना हो गया यहाँ, यहाँ हमने लिख दिया देखो x क्यूब और दूसरा कितना था प्लस का 2x स्क्वायर। साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, देखो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ आपके पास देखो ये आपके पास कितना बचा, 3 में से आपके पास देखो दोनों प्लस माइनस है ना, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चला गया तो बचा 1x स्क्वायर। ये वाला पूरा नंबर उतार दो यहाँ 2x प्लस 1, फिर वही प्रोसेस फॉलो करो। यहाँ देखो 2x है, यहाँ हमने लिख दिया 2x, नीचे कितना था 1x था ये वाला ना, से ये कट गया तो हमारा यहाँ लिखते भी जाओ यहाँ नंबर क्या आया आपका। अभी आपने यहाँ x स्क्वायर से करा ना, अब ये दूसरा हम किससे करेंगे, सबसे पहले लिख दिया करो जैसे भूलो ना बिल्कुल भी है ना। दूसरा हम किससे करेंगे, x से। अब देखो ये हमारे पास बचा कितना x, अब x से हम इस नंबर को गुणा करेंगे तो यहाँ हो गया हमारे पास x प्लस 2। देखो यही वाला नंबर तो था, इससे गुणा करना था तो x को x से करा तो हो गया x स्क्वायर, इसको करा तो ये हो गया हमारे पास 2x। फिर यहाँ लिख दो देखो ये हो गया x स्क्वायर, यहाँ हो गया प्लस का 2x है ना, साइन चेंज कर दो तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ ये भी कैंसिल हो गया, प्लस 1 को वैसे का वैसे उतार दो, यही आपका भागफल हो गया, और मतलब ये शेषफल हो गया, ये भागफल लिख दो भागफल। भागफल को क्या बोलते हैं, भागफल को बोलते हैं क्यू एक्स है ना, क्यू एक्स मिल गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो इस बार तो इस क्वेश्चन में आपको जो थोड़ा सा भी डाउट था वो ख़त्म हो गया होगा ना, फिर कुछ होगा तो अगले क्वेश्चन में देखो उसमें भी ख़त्म हो जाएगा। और शेषफल कितना है, शेषफल बराबर, शेषफल को बोलते हैं आर एक्स है ना, आर एक्स हो गया आपका 1 प्लस का 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखो, देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपके पास ये, तो क्वेश्चन लिख लो जी एक्स को पहले बाहर लिख लो, यानी हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने इधर लिख दिया, इस वाले को पी एक्स को अंदर लिख दो, एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2। अब देखो कैसे बनाना है, सबसे पहले तो देखो वही वाला प्रोसेस फॉलो करना है आपको है ना ही। यहाँ कितना है आपके पास, 4x है ना, तो यहाँ आप क्या करोगे सबसे पहले तो देखो इसको 4x लिख दो, 1, 2, 3 और 4x। यहाँ कितने हुए आपके पास, यहाँ 2x है तो हमने लिख दिया 2x, 1x से 1x कट गया, 1x से 1x कट गया तो बचा कितना, ये बचा एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो यहाँ आप एक्स स्क्वायर ही लिख दो ये वाला है ना। अब इस एक्स स्क्वायर से इस नंबर को गुणा कर दो, यानी हमने इसको गुणा कर दिया तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो गुणा कर दोगे तो क्या नंबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलाकर एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर। इसको उठाकर जो ये नंबर आया यहाँ लिख दो, यानी यहाँ हम लिख देंगे एक्स की पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दो। ये वाला तो कैंसिल हो गया, देखो प्लस और ये माइनस, यहाँ देखो ये प्लस और ये माइनस है ना, तो हमारे पास प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस 4 में से एक चला गया तो बचा 3x स्क्वायर। साइन किसका, हमेशा बड़े वाले नंबर का होता है इसका, ये वाला प्लस का 2 यहाँ उतार दो। फिर देखो इस बार आपके पास 3x स्क्वायर, यहाँ लिख दो ऐसे, देखो 3 को ऐसे ही लिख दो और x इंटू एक्स, एक्स दो बार है ना, यहाँ कितना है, यहाँ भी x दो बार है, देखो इस x से ये x, इस x से ये x कट गया तो बचा कितना हमारे पास, बचा हमारे पास 3, तो यहाँ सबसे पहले आप 3 लिख दो है ना। अब 3 से इसको हम गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, इस नंबर को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर।
और यहाँ हो जाएगा हमारे पास थ्री वन जा थ्री। इस पूरे नंबर को उठा के यहाँ लिख दो, थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस का थ्री। साइन चेंज कर दो, देखो ये माइनस, यहाँ भी माइनस है ना। अब ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा, तीन में से आपका दो चला गया तो बचा एक, और साइन किसका, बड़े वाले नंबर का, यानी तीन में साइन बड़े वाला नंबर माइनस है ना, तो आंसर वन आ गया। लिख दो ये आपका हो गया ये शेषफल और नीचे वाला भागफल, तो लिख दो शेषफल बराबर, शेषफल को क्या बोलते हैं, क्यू एक्स है ना, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और नहीं ये शेषफल नहीं, ये भागफल है बच्चों ना, भागफल, भागफल बराबर, और ये हो गया नीचे शेषफल, शेषफल को बोलते हैं आर एक्स, आर एक्स यानी आर मतलब रिमाइंडर, ये हो गया माइनस वन है ना। अब देखो, अब तो ये करने का तरीका आपको समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखो इसका, देखो क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा। अगर आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ लेना आप मुझे है ना, मैं उसका डाउट आपका क्लियर कर दूंगी। देखो पी एक्स दिया हुआ है, एक्स की पावर एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन, और जी एक्स कितना दिया हुआ है, जी एक्स है आपके पास एक्स माइनस थ्री है ना। फिर वही देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन लिख लो यहाँ पर, इसको बाहर कर लो, यानी हमने लिख लिया x माइनस थ्री, और ये वाला अंदर लिख दो x क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन। भाग देने के लिए देखो क्या करना है, मैं इसके पास आपके पास तीन एक्स है और यहाँ कितना एक एक्स, यहाँ लिख दो, देखो तीन एक्स लिख दिया हमने, मतलब तीन बार x लिख दिया, यहाँ एक एक्स कट हो गया, तो कितना बचा, इसमें से ये कट गया तो बचा कितना आपके पास एक्स स्क्वायर बचा ना, इसी एक्स स्क्वायर को पहले तो यहाँ लिख दो क्यू एक्स में। अब इस एक्स स्क्वायर से इस पूरे नंबर को यानी एक्स माइनस थ्री को गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर में एक मिल गया तो कितना बचा, ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब, और दूसरा माइनस है और एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर है ना। इस पूरे नंबर को उठा के आप यहाँ लिख दो, ये जो नंबर आया आपका ये वाला, इसको यहाँ लिख दो नीचे, यानी ये हो गया आपके पास x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस है ना। अब क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, साइन किसका, बड़े वाले नंबर का, बड़ा नंबर माइनस है ना, सेवन माइनस लगा दिया, सेवन में से थ्री चला गया तो बचा फोर एक्स स्क्वायर, ये वाला पूरा पूरा वैसे लिख दो यहाँ। फिर देखो इस बार हमारे हमें क्या लेना है, माइनस का फोर एक्स बनाना है, तो यहाँ देखो फिर से यहाँ हमने ले लिया माइनस का, कितना बनाना है, माइनस का फोर और एक्स दो बार एक्स है ना, तो हमने माइनस फोर और दो बार एक्स ले लिया। नीचे कितना बनाना है हमें, नीचे हमें लेना है एक्स, तो इस एक्स से ये एक्स कट गया तो बचा कितना, माइनस का फोर एक्स। सबसे पहले तो यहाँ यही लिख दो, माइनस का फोर एक्स लिख दो, अब माइनस के फोर एक्स से इसको गुणा कर दो, किसको, एक्स माइनस थ्री को गुणा कर दो है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर को हमने माइनस, तो यहाँ माइनस फोर वैसे आ गया, एक्स एक्स और एक्स मिलाकर हो गया एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ देखो ये माइनस और ये माइनस मिलाकर हो गया प्लस, फोर थ्री जा ट्वेल्व और ये हो गया ट्वेल्व एक्स। इस नंबर को उठाकर आप यहाँ लिख दो, यानी हमने लिख दिया माइनस का फोर एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस का ट्वेल्व एक्स है ना। साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये ख़त्म हो गया, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया, ट्वेल्व और सिक्स मिलाकर हो गया एटीन, लेकिन माइनस माइनस जुड़ता है तो साइन माइनस का लगता है, यानी एटीन एक्स, ये वाला प्लस वन वैसे उतार दो। फिर देखो अब हमें इस बार माइनस क्या बनाना है, माइनस का 18 बनाना है ना, माइनस का 18x, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हमने ले लिया माइनस का 18 और x से किए, नीचे भी एक x हो गया, x से x कट गया तो बचा माइनस का 18, पहले तो यहीं लिख दो माइनस का 18 तो हमें ये मिल गया। अब
इससे हम इसको गुणा कर देंगे, यानी x माइनस थ्री से जब हम इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 18x, ये माइनस और माइनस प्लस, 18 थ्री सा होता है 54, 18 तिहाई 54 है ना, यही वाला नंबर यहाँ लिख दो, यानी माइनस का 18x प्लस का 54, साइन चेंज कर दो, चेंज हो गया तो ये ख़त्म हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले का यानी 54 माइनस का है ना, 54 में से 1 चला गया तो बच्चा 53, यही शेषफल हो गया। तो यहाँ लिख दो आप कि भागफल, भागफल को बोलते हैं QX, QX हमें कितना मिल गया, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 18, और शेषफल हमें मिल गया, शेषफल यानी RX बराबर मिल गया माइनस का 53 है ना। अब तो बच्चों समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। चलो फिर से और क्वेश्चन देखो, करते जाओ, जितने सारे क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, अपने आप समझ में आने लगेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या किया जा रहा है ना। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं, इसलिए अच्छे से इसको समझ लो। क्वेश्चन नंबर 5th है आपका, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, और जी एक्स कितना है हमारा, जी एक्स दिया हुआ है इस बार, देखो बड़ा नंबर है इस बार ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 1, देखो बड़ा नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वही रूल फॉलो करेंगे तो ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले तो यहाँ लिख लो कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और क्या है, माइनस का 1 है ना। अब ये वाला नंबर अंदर लिख दो, यानी x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, हमें इसको, इसके पास 4x है और इसके पास हमारे पास कितना है, इसके पास हमारे वही 2x है, तो ऐसे लिख लो पहले। तो देखो यहाँ हमने लिख लिया पहले, देखो 4x है ना, यहाँ लिख लो आप x इंटू x इंटू x इंटू x, नीचे 2x थे, x इंटू x, इस x से ये x कट गया, इस x से ये x कट गया, बचा कितना x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो यहाँ आंसर में यही लिख दो कि हमें x स्क्वायर मिल गया। अब इस x स्क्वायर से इस पूरे को गुणा कर दो, देखो लिखो यहाँ लिख दो x स्क्वायर, ये हमें पूरा लिखना है क्या नंबर, यही x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 से हमें इसको गुणा करना है। तो जब गुणा करोगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ हमने देखो x स्क्वायर को, इसके पास 2x, इसके पास 2x मिलाकर हो गया x की पावर 4, फिर यहाँ देखो प्लस 3 और इसके पास 2x था, इसके पास 1x, तो x क्यूब, यहाँ फिर देखो 1 से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा नंबर उठाकर आप यहाँ नीचे लिख दो, यहाँ हो गया हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है ना, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा देखो, यहाँ हमारे पास 6 में से 3 चला गया तो बचा साइन किसका, बड़े वाले का, यानी 3x क्यूब बचा, और क्या बचा इसमें देखो, प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया तो बचा हमारे पास 3x स्क्वायर, साइन बड़ा वाला माइनस है ना, तो माइनस का ले लो 3x स्क्वायर, फिर ये पूरे को वैसे उतार दो 2x प्लस 1 है ना। अब हमें क्या लेना है, यहाँ हमारे पास है 3x क्यूब, अब 3x क्यूब लिखो यहाँ पर, ऐसे लिखो, देखो 3 और x इंटू x इंटू x, और यहाँ कितना है 2x है ना, देखो इस x से ये x कट गया, इस x से ये x, तो बचा कितना हमारे पास, बचा हमारे पास 3x, तो यहाँ सबसे पहले तो यही लिख दो, जैसे भूलो नहीं है ना, 3x हो गया। अब इस 3x से इस पूरे नंबर को गुणा कर दो, यानी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 से जब हम इसको गुणा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास,
इसके पास एक एक्स है, इसके पास दो एक्स है, तो ये हो गया 3x³ है ना, और इसके पास दूसरा 3 साइन प्लस का, 3 3 9 और 2x हो गया, एक एक्स ही है, x मिलाकर x² 1 से कर दो तो हो गया 3x पूरे का पूरा। इस नंबर को उठाकर आप यहाँ लिख दो नीचे, ये हो गया आपके पास, यहाँ नंबर था ना, यहाँ लिख दो, यानी 3x³ फिर प्लस का 9x² माइनस का 3x, साइन चेंज कर दो, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस, यहाँ माइनस था तो प्लस, देखो ये तो ख़त्म हो गया, माइनस और माइनस जुड़ गया, 9 और 3 मिलाकर हो गया 12, माइनस माइनस जुड़ता है तो साइन माइनस का आता है, तो यहाँ हमने लिख दिया माइनस का 12 और x², यहाँ देखो प्लस हो गया तो 3 और 2 मिलाकर हो गया 5x और 1 ये हमने उतार दिया। फिर अब इस बार माइनस का हमें 12 और x² बनाना है, तो यहाँ देखो फिर क्या करेंगे, माइनस का 12 और x कितने हैं, x × x, और यहाँ बाहर कितना नंबर था, ये x² यानी 2x, इस x से ये x कट गया, इस x से ये x, यानी हमें नंबर क्या मिल गया, माइनस का 12, तो माइनस के 12 से अब हम इसको गुणा कर देंगे x² प्लस 3x माइनस 1 को, है ना, तो कितने पहले तो यहाँ लिख लो आप माइनस का 12 लिख दिया, अब इससे इसको गुणा कर दो, माइनस के 12 से जब हम इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 12 x² प्लस माइनस माइनस 12 3 36 और 1x हो गया, फिर यहाँ माइनस और माइनस प्लस 12 1 12, ये पूरा नंबर उठाकर नीचे लिख दो, यानी माइनस का 12x² माइनस का 36x और प्लस 12, साइन चेंज कर दो, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस और प्लस और प्लस जुड़ के हो गया 41x, यहाँ प्लस माइनस माइनस 12 में से एक गया तो बचा 11, साइन बड़े वाले का यानी 11 हो गया बस। क्यों अब यहाँ ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ एक एक्स था, इसके पास दो एक्स था, इसके पास ज़्यादा था ना, तो ज़्यादा हो गया मतलब ये छोटा हो गया, तो ये बच गया, यहाँ लिख दो कि शेषफल बराबर हो गया आपके पास यही वाला नंबर, यानी x² प्लस 3x माइनस 12, और फिर वही देखो शेषफल नहीं है, भागफल है बच्चों, है ना, भागफल ये शेषफल है, शेषफल बराबर, शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर, है ना, 41x माइनस 11 ना। देखो 5 क्वेश्चन तक मैंने इस वीडियो में करा दिया, अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसके आगे के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूँगी। बाय बच्चों।